दिल्ली विधानसभा में सुशासन के प्रतीक, भ्रष्टहीनता के प्रतीक मुख्य सचेतक भारतीय जनता पार्टी के, जिनको अभी कैबिनेट का दर्जा भी मिला, वैसे हमारे अग्रणी बड़े भ्राता साहेब सिंह चौहान जी को बहुत नमस्कार। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। मंच पर बैठे इस मंडल के बहुत जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष राजकुमार जी, संजय कौशिक जी, जो यहां से बहुत जुझारू निगम पार्षद हैं, मेरे मित्र रामवीर जी, जो सदैव मुझे मार्ग दिखाते हैं, जब भी मुझे यहां आना होता है तो सारथी का काम रामवीर जी करते हैं, वैसे रामवीर जी को बहुत नमस्कार। मित्र प्रवेश जी, आप सबको पूर्व में प्रत्याशी रहे, एक नाम जो मैं भूल गया, सॉरी, रंजीत कश्यप जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में मुझे बोलने के लिए आप सब ने आमंत्रित किया, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पंद्रह अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे, आज से लगभग 65 वर्ष पूर्व हिंदुस्तान आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ 65 वर्ष पूर्व, 15 अगस्त 1947। समय क्या था? मध्य रात्रि 12 बजे। ठीक 65 साल बाद क्या होता है? 65 साल पहले मध्य रात्रि को 15 अगस्त 1947 में लोकतंत्र का जन्म होता है, लोकतंत्र का उदय होता है भारत में। किंतु ठीक 65 साल के बाद कल मध्य रात्रि 2011 29 दिसंबर इसी लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है भारत के संसद में। यह बहुत दुख का है। और आप सबने दूरदर्शन में इस हत्या को देखा, हम सब चश्मदीद गवाह हैं, किस प्रकार हमारे सामने सरकार ने हत्या कर दी, किंतु भारत चुप है, हिंदुस्तान चुप है, क्योंकि अब हम पंगू बन गए हैं, हमें इस कदर दबा दिया गया है, इस कदर बिठा दिया गया है कि हम कुछ बोलने लायक नहीं रहे। संसद छोड़ के भाग गई सरकार, इससे विचित्र परिस्थिति क्या हो सकती है लोकतंत्र में कि वोटिंग से ही भाग गई सरकार, डर गई सरकार, 12 बजे संसद छोड़ के भाग गई सरकार। राजनैतिक रूप से तो हार हुई ही हुई, नैतिक रूप से भी